हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका एक और नई वीडियो के अंदर। हम है काठमांडू के अंदर। काठमांडू से 2 किलोमीटर की दूरी पर है एविएशन म्यूजियम हॉल, जिसके अंदर एक एयरक्राफ्ट खड़ा है और छोटे छोटे कुछ और एयरक्राफ्ट खड़े हैं और बच्चों के लिए झूले चल रहे हैं। तो हम उसको घूमने आए हैं दोस्तों, वो आपको भी दिखाएंगे और देखते हैं उसकी टिकट कितने अंदर है। आप पीछे देख सकते हो हम पहुँच चुके हैं और अब हम करते हैं इसके अंदर एंट्री और एक टिकट लेते हैं, भी देखते हैं कितने रुपये की टिकट है और आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर आप टिकट के प्राइस देख सकते हो भाई, 250 और स्टूडेंट के 125 रुपये। तो ये हमने कर ली है अंदर एंट्री और आप यहाँ पर देख सकते हो भाई कुछ इस प्रकार का म्यूजियम है और इसके अंदर छोटी सी दुकान भी है, एयरक्राफ्ट एक ही है। जैसे हम इसका गूगल पर देख रहे थे उसके अंदर देख रहा है छोटे छोटे एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट इसके अंदर एक ही है, एविएशन म्यूजियम काठमांडू। तो ये टिकट है दोस्तों जो कि 250 रुपये की पड़ी है, एडल्ट के लिए 250 और स्टूडेंट के लिए 125, ओल्ड एज है तो भी 125 और डिसेबिलिटी है तो भी 125, चिल्ड स्टूडेंट है छोटा बच्चा तो उसके लिए 75, फॉरनर्स के लिए 500 रुपये। तो हम तो थे तो फॉरनर्स, लेकिन हमारे को 250 की दी। लगता है इंडियंस को फॉरनर्स नहीं मानते, क्योंकि फॉरनर्स की जो टिकट प्राइसिंग यहाँ पर लिख रखी है वो 500 रुपये है और हमारे को दी है 250 रुपये में। चलो बहुत ही अच्छा, हमारे लिए तो हमारे तो 250 रुपये बच गए। तो यहाँ से इसकी एंट्री है तो इसके अंदर हम जा सकते हैं और नीचे बैठकर कुछ ले भी सकते हैं। तो अभी एक बार आपको इसका दृश्य दिखाता हूँ और एक दो शॉर्ट वगैरह वीडियो बना लेते हैं। तो और इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको जहाज की एक एक चीज़ दिखाएंगे। वैसे जहाज में हम 6-7 बार ट्रैवल तो कर चुके हैं, लेकिन जो अंदर का जो वो उसका पायलट बैठता, पायलट की वो जगह नहीं दिखाई पाई। सीट वगैरह तो हम वैसे भी देख लेते हैं, आपको कई बहुत सी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन अब इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे हम जहाज़ की एक एक चीज़ अंदर की, जहाँ पायलट बैठता है और आगे ही पीछे की। चलो बाकी अंदर जाकर देखते हैं, एक बार बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो भाई, एविएशन एयरक्राफ्ट, एविएशन म्यूजियम भी कह सकते हो। तो अब करते हैं हम इसके अंदर एंट्री, पहले एक बार नीचे देख के। ये भाई जहाज के एयरक्राफ्ट के टायर देख सकते हो, जिसके अंदर स्विफ्ट डिजायर आराम से आ जाएगी, जिसकी कॉस्ट है 5 से 7 लाख के बीच में। तो ये भाई इसका यहाँ पर वो देख सकते हो इंजन, जहाँ इसका इंजन होता है, और ये कितनी बड़ी फंकड़ी, और यहाँ पर एविएशन म्यूजियम एंट्री इसके अंदर वहाँ से है। अभी हमारी बारी आई नहीं, तो ये देख सकते हो भैया घूमते हैं कितना बड़ा इंजन है इसका। अभी हमने एक आपको लेकर चल दिया, देख सकते हो उसके टायर दिखाते हैं। ये देखो भाई, अभी तक तो आपने मैंने वीडियो में देखे थे, अब रियल में देख रहा हूँ। तो इन टायरों की दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया कॉस्ट कम से कम एक टायर की कॉस्ट होगी 5 से 7 लाख रुपए। तो इसमें तो कम से कम आप स्विफ्ट डिजायर की तो बात अब छोड़ देते हैं, स्विफ्ट डिजायर तो अगले टायरों के लिए थी, अब बात करते हैं कम से कम XUV 700 आराम से ले सकते हो, यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन ये पता नहीं भाई एंट्री अलाउड है या नहीं है। यहाँ पर आप कोल्ड ड्रिंक छोटा मोटा कैफे देख सकते हो, तो यहाँ पर कुछ लेकर आराम से पी सकते हो। तो लगता है हमारी बारी आ गई है, बुला लिया भाई उसने। Hey, Nico.
उद्योग बनाई बाट प्रेरित भई राष्ट्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रशिक्षक र परीक्षक पाइलटका रूपमा काम गर्दै आइरहनु भएका क्याप्टन वीर उप्रेति 440 यात्रु क्षमताको यस एयरबस 330-300 एभिएसन म्युजियम काठमाडौँ नेपालका परिकल्पनाकार हुन्। जागिरका क्रममा नेपाल, भारत, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, ओमन, साइप्रस, इटली, फ्रान्स र संयुक्त राज्य अमेरिकामा विभिन्न विमानहरू उडाउँदै आउनुभएका क्याप्टन वीर उप्रेतीले संसारका 80 भन्दा बढी देशहरूका मुख्य पर्यटकीय स्थलहरूको अवलोकन गरिसकेका छन्। जम्मा 8 महिना मात्र उडान भरेको करिब 31 अर्ब रुपियाँ पर्ने यस वाइड बॉडी एयरबस 330 म्युजियम बनाउने सोच लिएका हुन्। तत्पश्चात नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा वीर उप्रेति ट्रस्टको सहकार्य अन्तर्गत यस जहाजलाई काठमाडौँको मुटुमा राखेर कलात्मक र वैज्ञानिक तरिकाले एभिएसन म्युजियम निर्माण गरिएको हो। यसको विशाल विमानलाई विमानस्थलको पूर्वी भागबाट म्युजियम भएको यस स्थानसम्म ल्याइ पुर्याउन दर्जनौ स्वदेशी तथा विदेशी विमान टेक्निसियनहरूले 4 महिना लगातार काम गर्नु परेको थियो। लामा लामा लरीहरूमा यस जहाजका ठुला ठुला पाठ पूर्जाहरू राति 1 बजेदेखि 3 बजेसम्मको समय पारेर विमानस्थलबाट सिनामङ्गल स्थित यस ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याइएको थियो। साँघुरो बाटो र लामो आकारको ठुलो विमान भएकोले भूमिहरूमा अड्किएपछि क्रेनले समेत उठाएर दायाँ बायाँ राख्दै अगाडि बढाउनु परेको थियो। यसरी यो जहाजलाई यस स्थानसम्म ल्याउन 4 दिन लागेको थियो भने यस स्वरूपसम्म ल्याइ पुर्याउन पुरापुर 9 महिना लागेको थियो। यो म्युजियम निर्माणका लागि क्याप्टन वीर उप्रेतीले विदेशमा खराब मौसममा समेत 3 रात नभनी जोखिमयुक्त काम गरेर जम्मा गरेको रकम र एभरेस्ट ब्याङ्कबाट ₹2,90,00,000 ऋण सहित कुल 7 करोडको लगानी वीर उप्रेती ट्रस्टका लागि जुटाएका हुन्। नमस्ते, म क्याप्टन वीर उप्रेती, यहाँहरू सबैलाई एयरबस 330 भित्र रहेको यसै हलमा आकाश भैरवको पेन्टिङ समेत राखिएको छ। तेस्रो हल एयरलाइन्स हल हो, जहाँ संसारभरिका मुख्य मुख्य कमर्सियल एयरलाइन्सहरूका मोडल जहाजहरू राखिएका छन्। यो त्रिवेणीमास्थलको फ्युचर लेआउट हो। चौथो हल नेपाल एभिएसन हल हो, जहाँ नेपालका आकाशमाथि डकोटा जहाजदेखि हालसम्मका वाइड बडी एयरबस 330 जहाजहरूका मोडेल जहाजहरू यहाँ छन्। पाँचौँ हल मिनेचर एन्ड रिफ्रेसमेन्ट हल हो, जहाँ नेपाली विद्यार्थीहरूले बनाए जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी छोटे छोटे एयरक्राफ्ट हैं वो इसके अंदर हैं दोस्तों, ये देख सकते हो। और यहाँ पर भी एक एयरक्राफ्ट, यहाँ पर भी देख सकते हो, ये एयर फ्रांस है, वो टर्किश एयरलाइंस थी। और यहाँ पर ये छोटे छोटे रखे हैं, एयर चाइना है, और ये है लोयन है, और इनकी दोस्तों साथ में डिटेल दी गई है। डिटेल हम इसलिए नहीं पढ़ सकते, बता सकते, क्योंकि नेपाली लैंग्वेज में है। कुछ कुछ समझ में आ रहे, कुछ तो नहीं समझ में आ रहे। तो आप ऐसे देख सकते हो इनको, ये जो भी जहाज हैं इनके पीछे कुछ न कुछ वैल्यू है, इनका कहीं कहीं पर रोल है, इस करके यहाँ पर ये लगाए हुए हैं। तो ये देख सकते हो भाई आप, यहाँ पर ये है
बोरोलिया इंडोनेशिया की है, ये किंगफिशर है और यहाँ पर कतर है। सभी एयरलाइन साउथ की भी है और एयर फ्रांस दोबारा से फिर आ गई। और यहाँ पर ये लकड़ी का भी था क्या भाई, सभी एयरलाइन से आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा हाँ फ्रंट से लेते हैं तो आप फ्रंट से देखिए भाई, यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे एयरक्राफ्ट खड़े हैं और यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का। यहाँ पर आप कैंटीन देख सकते हो, यहाँ पर कैंटीन है, ये पता नहीं कोस्ट बिल्कुल रिफ्रेशमेंट हॉल, तो शायद यहाँ पर भी वही होगा, दो होंगे एक साइड और एक इस साइड, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो शायद इसकी टिकट, इसकी जो चेयर है अच्छी है, बाकी यहाँ पर कैंटीन है। तो यहाँ से कुछ लेंगे नहीं शायद, यहाँ पर प्राइस भी दिखा देता हूँ मैं क्या है, तो एग्जिट भी आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पर कुछ ले सकते हो और यहाँ पर ये कैफे के रेट हैं और यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ से करते हैं, वो एग्जिट हो चुके हैं बाहर, अंदर इस नीचे देखते हैं शायद वहाँ को भी रास्ता है अलाउड है या नहीं, तो वहाँ से जाएंगे। एयरक्राफ्ट से आ चुके हैं बाहर और 5-10 मिनट के लिए यहाँ पर आराम कर रहे हैं, और आराम करते करते आपको थोड़ा हा एविएशन म्यूजियम के बारे में बता देते हैं। दोस्तों इसके अंदर है एक डॉक्यूमेंट्री भी चली थी, वो उसको भी आप आराम से देख सकते हो, अच्छी तरह से समझ सकते हो, लेकिन अपने वालों क्या उसमें थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि वो नेपाली लैंग्वेज में थी, बाकी आप देख के सब समझ सकते हो। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर क्या है या इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है एयरक्राफ्ट के अंदर की म्यूजियम की, तो यहाँ के कोई पायलट थे उन्होंने इसकी स्थापना की है, और इसकी स्थापना करने का मेन उद्देश्य यही है कि काठमांडू के अंदर नेपाल के अंदर एक और जो टूरिस्ट प्लेसेस है उसको विकसित किया जाए और इसको एक टूरिस्ट प्लेस में जोड़ा जाए। इसका भाई जैसे उसमें डॉक्यूमेंट्री के अंदर बताया गया है कि जैसे एयरक्राफ्ट किसने कहाँ कहाँ ये चला है, इसके पीछे की जो भी हिस्ट्री है और ये कैसे यहाँ आया और इसको कैसे लगाया गया है, इसको 9 महीने के करीब लगे हैं बनाने में और इसका उद्घाटन करने में जो भी है उस सभी डॉक्यूमेंट्री के अंदर आप देख सकते हो समझ सकते हो। लेकिन थोड़ा हम मेन यही है भाई, इनका यहाँ का जो नेपाल का पायलट था उसने एक टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए इसको विकसित किया और इसके बनाने में 9 महीने लगे हैं और इसके अंदर छोटे छोटे एयरक्राफ्ट